नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। शिवसेना ने निचले सदन में नागरिकता संशोधन विधेयक का किया समर्थन, जदयू ने किया विरोध। मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी ने नागरिकता संशोधन बिल का विरोध जताने को लेकर जताई नाराजगी। कांग्रेस और ओवैसी को पाकिस्तान जाने की दी नसीहत। पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश सालवे ने दी राय, कहा मुसलमान और संविधान के खिलाफ नहीं है नागरिकता संशोधन बिल। अमित शाह के बंटवारे वाले बयान पर शशि थरूर ने कसा तंज, कहा इतिहास की कक्षा में नहीं दिया था ध्यान। साल 2019 का गोल्डन ट्वीट रहा प्रधानमंत्री मोदी के नाम, लोकसभा में जीत के बाद लिखा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास विजयी भारत। गैंगरेप मामले में दोषी अक्षय कुमार सिंह ने कोर्ट में अपनी मौत की सजा पर दायर की पूर्ण विचार याचिका, कहा अब प्रदूषण से ही मर रहे हैं लोग तो फांसी क्यों दे रहे हो। बीयूजी के संस्कृत विभाग में नियुक्ति पर विवाद के बाद प्रोफेसर फिरोज खान ने दिया इस्तीफा, अब आर्ट्स फैकल्टी में देंगे अपना योगदान। लालू के लाल तेज प्रताप यादव एक बार फिर नए लुक में आए नजर, हरी टोपी लाल टीके लगाकर ट्विटर पर नजर आए लालू के लाल। 40 साल की महिला ने रिश्तेदार को कोर्ट में घसीटा, कहा 4 साल की उम्र में किया था बलात्कार, 3 बार किया था आवर्षण। बिहार के डाकघरों में अब मिलेगा गंगाजल, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा 261 पोस्ट ऑफिस में मिलेगी यह सुविधा। बिहार में घिनौना काम करने वालों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त, राबड़ी देवी ने कहा नीतीश कुमार से क्यों नहीं कोई पूछता सवाल। नोबेल विजेता वेंकट रामन का बयान, कहा खतरनाक मोड़ ले रहा भारत, हम नहीं है पाकिस्तान। नागरिकता संशोधन बिल पर बौखलाया पाकिस्तान, बताया पड़ोसी देशों में मामले में दखल, भारत ने दिया जवाब। अमेरिकी आयोग की सिफारिश, नागरिकता संशोधन बिल को बताया खतरनाक। 12 साल पुराने देशद्रोह मामले में मुशर्रफ के खिलाफ 17 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा, 18 नवंबर को नहीं हुई थी सुनवाई। वनडे सीरीज में फिर शिखर धवन का खेलना संदिग्ध, संजू सैमसंग और मयंक अग्रवाल में होगी जंग। सर्जरी के बाद बोले हार्दिक पांड्या, कहा ज्यादा समय तक नहीं रह सकता टीम से दूर। सिर्फ 6 ट्वीट कर साल भर छाए रहे महेंद्र सिंह धोनी, टॉप पर रहा विराट कोहली का ट्वीट। आप बीती सुनाकर भावुक हो गई नेहा कक्कर, कहा इतना दर्द था कि मर जाना चाहती थी। अजहरुद्दीन की बहू बनने जा रही है सानिया मिर्जा की बहन, जल्द ही अजहरुद्दीन के बेटे से रचाएगी शादी। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।